हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हुए हैं कैफ़े दी हुंजा पर, जहां मैंने पुराना व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट लूँगी। ये यहां का जाना माना कैफ़े है। इधर एंटर होते ही आपको ये कैप, शॉल्स और ब्रेसलेट्स, रिंग्स, मतलब जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, वो सब आपको यहां से मिलेंगी। लेकिन इन सब की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी और हमें इनमें से ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं था जो मैं बाय करूँ, इसलिए मैंने अपनी वीडियो बनाई और जो है ना यहाँ से निकल ली। थोड़ी बहुत शॉल्स हमने देखी थी लेकिन मतलब समझ नहीं आई, बात अच्छी थी, क्वालिटी ठीक है, लेकिन प्राइसेस इतनी हाई एक तो यहाँ पे और दूसरा नारायण में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई हैं प्राइसेस को। पता नहीं क्यों इतनी महंगी शॉपिंग, इससे अच्छा तो हम फिर किसी ना किसी ब्रांड से ही ले लेना, जिस तरह से हम करते हैं शॉपिंग वहाँ पे हमें चीज़ें समझ भी आती हैं। अच्छा जी, फिर हम चले गए ऊपर और हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। यहाँ पे हम इनका फेमस वॉलनट केक ट्राई करने आए हैं और साथ ब्राउनी और चाय भी थी, तो हमने ये बैठ के खाया। वॉलनट केक बहुत बहुत ही मज़े का था। बस इधर बैठ के हमने खाया पिया और फिर हम यहाँ से चल लिए, क्योंकि मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं थी करनी और सुबह हमने सोचा था कि घूमेंगे सारा। होटल में वापस आते ही हम आकर जो है ना गार्डन में बैठ गए थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। इधर मौसम का यही सीन है, पूरा दिन आपको गर्मी लगेगी धूप की वजह से, लेकिन जैसे ही धूप खत्म होगी तो आपको जो है ना मौसम अच्छा शुरू मतलब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद रातें तो यहाँ पे है ही ठंडी और ये मेरे बच्चे अभी तक नहीं थके हैं, देखें आप। और ये सामने ये आप देख लें कितना मज़े का लग रहा है ना लैम्प, इसको लैम्प एज अ लैम्प ही रखा गया है ना, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैं निकल आई थी बाहर, मैंने सोचा मैं अपनी वीडियोस वॉइस ओवर करती हूँ यहाँ पर बैठ के, सुकून है। लेकिन जहाँ इस तरह से पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ पर आपने नोट किया होगा कि एक नॉइज़ होती है ना कीड़े मकोड़ों की, वो सारी मेरी वॉइस ओवर ख़राब कर रही थी, इसलिए मैंने क्विट कर दिया, जाकर सो गई। सुबह को उठी हूँ तो आपको मैं नज़ारे चेक करवा रही हूँ सुबह सुबह के। यहाँ जो मेरी विंडो से नज़र आ रहा था वो मैंने आपको दिखाया, फिर मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूँ, खुद भी देखती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या नज़र आ रहा है। कोई ना कोई बर्फ़ वाला पहाड़ तो ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो जी फाइनली वही हुआ, बाहर से हमें बर्फ़ वाले पहाड़ों के नज़ारे मिल रहे हैं। अभी इन पहाड़ों के एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे क्या पता कि कौन सा पहाड़ नज़र आ रहा है कहाँ से, तो इसलिए मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। आगे चल के अगर मुझे पता लगा तो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ मैं साइड में भी हो आई हूँ अपनी गैलरी के और अपनी बैल्कनी के, आप यहाँ से भी देख लें, व्यू बहुत बहुत कमाल था। और सुबह को उठी मैं, इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं लग रही थी अभी क्योंकि धूप हल्की ही थी। मुझे पता नहीं क्यों ये पहाड़ देख के ना मज़ा बहुत आता है, मुझे कोई इश्क है इन पहाड़ों से। और इसके बाद मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, बच्चों को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, सामान वगैरह भी हमने सारा गाड़ी में रखवा लिया था क्योंकि हम अब यहाँ से चेकआउट करने लगे हैं। नाश्ता भी हमारा आ गया था, बस हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, चाय शाय पी और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए क्योंकि आज हमने जाना है अलतित फोर्ट। बलतित फोर्ट में नहीं जाऊँगी, वहाँ पर हाइकिंग और ट्रैकिंग बहुत है, हाइकिंग और ट्रैकिंग से मैं थोड़ा सा ना अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ इतना। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है कि आपने पहाड़ चढ़ने हैं, घूमना है, घूमने वाला रास्ता है लंबा, तो आप लाजमन जो है ना बलतित फोर्ट जाएं। और अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर तो आप जाएं ही जाएं, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं था इसलिए मैंने जो है ना अलतित फोर्ट विज़िट करना लाजमी समझा, क्योंकि यहाँ पर आऊं और इस तरह की कोई चीज़ ना जाऊं तो फिर बात नहीं बनेगी ना, मतलब कुछ तो बोलूँ ना कि हाँ मैं घूम के आई हूँ। वैसे तो आज के दिन का लंबा ही प्लान है, तीन जगह हमने कवर करनी है, वो क्या है आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। अभी जो है ना इस व्लॉग को मैं यहीं इन खूबसूरत से नज़ारों में, पहाड़ों में और इन जो है खूबसूरत सी ग्रीनरी में ख़त्म करूंगी, क्योंकि सारा कुछ अगर एक ही व्लॉग में डाल लूँगी ना तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये बोर कर रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके देखें, लेकिन देखें ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना प्लीज़ ना भूला करें, यही तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होता है ना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें। तो जी बस यहाँ हम पहुँच चुके हैं अलतित फोर्ट और यहाँ से हमने जो है ना रास्ता पकड़ना है, थोड़ा ही अपने ट्रैकिंग यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। इस तरह की तंग गलियाँ हैं जहाँ से मकामी लोग गुजरते हैं, कुछ शॉप्स आपको मिलेंगी ख़रीदारी के लिए, वही शॉल्स और कैप्स वगैरह, और कुछ बच्चे आपको नज़र आएंगे जो स्कूल से वापस आ रहे होंगे अगर आप मेरे वाले टाइम पे गए हैं तो। तो बस इसी तरह से आप घूमते हुए जाइएगा, मज़े से इंजॉय कीजिएगा, ये सीधी सादी ट्रैकिंग तो हम भी कर ही लेते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि इन शॉप्स पर जो है ना तकरीबन लेडीज़ ही थी और ये बहुत ही अच्छा था। हुंजा काफ़ी जो है ना अच्छा सा सिटी लग रहा था मुझे, एक कहते ना ब्रॉड माइंडेड सिटी, वैसा लग रहा था क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर घूम रही थी, बिल्कुल टेंशन फ्री टाइप होता है ना उस तरह से, मतलब बाकायदा आपको सिटी वाली फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी विलेज में घूम रहे हैं।
और बहुत ही सीधे साधे मासूम से यहाँ के लोग हैं, सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है यहाँ पर। यहाँ हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा गाइडर आने वाला है, गाइडर आपके साथ जाएगा, वो सारी आपको हिस्ट्री बताता जाएगा। तो वो जब तक आए तब तक मैंने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने मोबाइल में ही जो है ना कैद कर लिया है और फिर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि यादें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहें, क्योंकि आप लोग के साथ मैं भी तो इन यादों में दोबारा से जाऊँगी ना। तो चलें जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अल्तिफ फोर्ट के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा।